पहली बहस में आपका स्वागत है। बात हो रही अंबेडकर जयंती की, लेकिन जब जब अंबेडकर जयंती होती है तो फिर सियासत भी होती है और अपने अपने तरीके से इसमें सियासत ढूंढी भी जाती है। एमपी में मिशन 2023 की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वोटर्स को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि दोनों ही दल 14 अप्रैल यानी आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि एससी वोटर्स के बीच पैठ बढ़ाई जाए। इस मौके पर बीजेपी खास कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश भर में हर बूथ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। करीब 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। उन कार्यकर्ताओं में भी खास बात यह होगी कि एक एससी का होगा, एक सामान्य का होगा, यानी समरसता का एक भाव बढ़ने का प्रयास। राजधानी भोपाल में इस बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जहां बीडी शर्मा ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और सीएम शिवराज बाबा साहब की जन्मस्थली महू जाकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ का महू दौरा भी है, वे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और समारोह में शामिल होंगे। अब सवाल यही है, क्या अम्बेडकर के बहाने भारतीय जनता पार्टी, और वैसे भी हमने देखा बहुत ही एक अलग रणनीति के साथ अंबेडकर के साथ साथ बढ़ती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी। ये तस्वीरें हैं आज सुबह की, जब प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे और उन्होंने माल्यार्पण किया। कल रात भी हमने देखा था जब उन्होंने अंबेडकर जी को नहलाकर एक तरह से मैसेज दिया था, लेकिन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तस्वीरें भी कुछ सामने आई है, वहाँ भी कांग्रेस के लोगों ने भी माल्यार्पण किया है, लेकिन ये तस्वीरें सीधे हैं। पर अब ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए, क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जरा सुन लेते हैं बीडी शर्मा ने क्या कहा है। प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के और हरिशंकर खटीक क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। आज प्रत्येक बूथ पर 64,364 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर, सामाजिक समरसता के संकल्प को लेकर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र है, जो बाबा साहब का मंत्र था, उस पर आज हम प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब को प्रणाम करेंगे, उनको नमन करेंगे और बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारने का संकल्प लेकर के आज हम मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे। हर मतदान केंद्रों में एक कार्यक्रम होगा, 65,000 मतदान केंद्रों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और कार्यकर्ता के साथ साथ दो लोग हमारे एक ऐसे होंगे, उसमें एक मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यकर्ता होगा और एक उसके इसमें एक अध्यक्षता करेगा। और तो ऐसा उसमें मुख्य अतिथि और अध्यक्षता में एक हमारा भाई अनुसूचित जाति का भी भाई आएगा, जहाँ अनुसूचित जाति समाज के कम हैं लोग हैं या नहीं मिल पाते हैं वहाँ पर, माने उनकी जनसंख्या है ही नहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारा अनुसूचित जनजाति का भी भाई जाएगा। जो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन बच्चों का सम्मान करने का काम भी किया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के बीच में बैठ करके हमारे कार्यकर्ता केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में ही बताएंगे, सब योजनाओं के बारे में ही बताएंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिशंकर खटीक को, जो प्रभारी बनाए गए थे, पखवाड़ा बनाया गया था, एक समरसता पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने मनाया, आज तक वो चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ग्वालियर चंबल में कुछ ज़्यादा ही ये दिखाई देता है, और जब बात ग्वालियर चंबल की होगी तो वहाँ की राजनीति को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि दलितों को लेकर वहाँ की राजनीति अलग रही है। वहाँ सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन हर पार्टी की नज़र रही है ग्वालियर चंबल में, खासकर दलित मुद्दा पर सवाल यही है कि इसका असर क्या होगा। तो देखिए हमारी ये खास खबर। अंबेडकर जयंती पर दलितों की याद, सियासत भी कमाल है यार। ग्वालियर में अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस समरसता भोज का आयोजन कर रही है, वहीं 500 से अधिक दलित समाज के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस के समरसता भोज कार्यक्रम में सभी जाति और धर्म के लोगों को न्योता दिया गया है। 14 अप्रैल को कांग्रेस सुबह से ही बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर देगी। सबसे पहले फूलबाग स्थित अंबेडकर पार्क पर बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस के नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद चल समारोह निकाला जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि वही बाबा साहब अंबेडकर की सच्ची अनुयायी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी सर्वहारा समाज को साथ लेकर समरसता की बात करने वाली पार्टी है, और हमेशा से माननीय गांधी जी के नेतृत्व में
हमने इस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने गरीबों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। इधर बीजेपी भी ग्वालियर चंबल अंचल के सभी जिलों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मना रही है। ग्वालियर में ही अकेले जिले में 944 पोलिंग बूथ पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। दलित बस्तियों में कैंप लगाकर दलित वर्ग के लोगों की परेशानियों को सुना जाएगा। बीजेपी का कहना है कि बाबा साहब की जयंती हमारे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। कांग्रेस को हमसे सीखना चाहिए कि किस तरह से बाबा साहब का आदर किया जाता है। ग्वालियर महानगर में 944 बूथ है, तो 944 मतदान केंद्रों पर हम जयंती मनाएंगे और 944 केंद्रों पर ही हमने बाबा साहब का चित्र भिजवाया है, जिस पर वो हमारी समिति जो बूथ की है वो पुष्पांजलि अर्पित करेगी। कार्यक्रम हमारा सुबह 8:30 होगा और कल दलित बस्तियों में जाके लगभग 4 बस्तियों हम जाएंगे, सांसद ही जाएंगे और जो दलित लोग हैं उनसे उनका संवाद करेंगे, उनकी परेशानी जानेंगे, उनके निराकरण का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल में दलित मतदाताओं पर दोनों ही दलों की निगाहें हैं। 2018 की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को दलित मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि यहां कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। अगर यहां इस बार 14 अप्रैल की तैयारियों को देखें तो ये कहा जा सकता है कि 2023 के लिए एक बार फिर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए तो आज अम्बेडकर जयंती है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने तरीके से इस दिन को, बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा सुमन अर्पण के साथ ही सियासत भी दिखाई देती है, क्योंकि बात हो रही है 65,000 बूथों की। चलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े, मिथुन अहिरवार जी है कांग्रेस के प्रवक्ता, मिथुन जी बहुत स्वागत है आपका। धैर्यवर्धन शर्मा जी है भारतीय जनता पार्टी के नेता, धैर्यवर्धन जी आपका भी स्वागत है। और देवदत्त दुबे जी है वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी 65,000 बूथों तक पहुंचने की बात कर रही है। पहले भी आप बूथ विस्तार के जरिए वहां पहुंचे थे, लेकिन बड़े ही चातुर्य से अम्बेडकर जी की बात करें, गांधी जी की बात करें, कांग्रेस ऐसा मानकर चलती थी और चलती भी है कि वैसे तो दोनों ही सबके रहे, लेकिन क्या अम्बेडकर के बहाने, अम्बेडकर के सहारे उस बर्थ तक पहुंचने की तैयारी भी है? देखिए, हमारी कथनी करनी में कोई भेद नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर जी को, महात्मा गांधी जी को पोस्टर बॉय बना करके रखा कि केवल इनकी फोटो दिखाओ और इनमें आस्था रखने वाले लोगों के वोट पाओ। इसीलिए जब डॉक्टर अंबेडकर जी की मृत्यु हुई उसके बाद 40 साल लग गए उनको भारत रत्न देने में। कांग्रेस पार्टी की अगर इतनी ही आस्था थी तो मृत्यु पूर्व जब वो जवाहरलाल नेहरू जी खुद के लिए प्रावधान कर सकते थे भारत रत्न का, तो डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये केवल जुबान पर रखते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम डॉक्टर अंबेडकर जी के मूल भाव में आस्था रखते हैं। उनका मूल भाव था समाज के वंचित वर्ग को बराबरी पर लाना, और उसके लिए चाहे शिक्षा दीक्षा की बात हो, उसमें लगातार छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी कर रहे हैं, चाहे गरीब लोगों को सीमेंट कंक्रीट के मकान दे करके उनके जीवन को सुखमय बनाने की बात हो, तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर अंबेडकर जी में आस्था रखने वाले तमाम वंचित वर्ग के लोगों को मिल रही है। अगर मैं केवल SC ST के लोगों की बात करूं जी, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 34.41 करोड़ खातों में 18.60 लाख करोड़ का ऋण दिया गया है। 3.1 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन हमने दिए। 1.31 करोड़ अर्थात 1.31 करोड़ पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने दिए। स्वरोजगार योजना में हाथ से मेला उठाने वाले लगभग 80,000 लोगों को 27.8 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। छात्रवृत्ति 7.7 हजार करोड़ दी जा रही है। लेकर बैठ गए जी, दो मिनट मुझे दे दीजिए ताकि मैं बता सकूं लोगों को कि हम जो कहते हैं सो करते हैं। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापना हेतु 5.5 हजार करोड़। कल रात को ट्रेनिंग हो गई थी, आज इस पर बात करना। जी जी, ST बाहुल्य 2000 गांव में हमने आदर्श गांव के तौर पर बेसिक सुविधाएं देने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश सरकार की भी अगर मैं बात करूं
तो 2022-23 में 19,020 करोड़ का बजट का ठीक सर प्रावधान हमने किया है। समझ सकते हैं सर आप कितना समझ रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं कि आप कितने गंभीरता से अम्बेडकर जी को ले रहे हैं और कितनी योजनाएं चला रहे हैं। मिथुन अहिरवार जी, बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी आज 65,000 बूथ तक पहुँच रही, एक बूथ पर एक कार्यकर्ता 80 वर्ष से होगा, एक सामान्य वर्ष से होगा, वहाँ का मुख्य अतिथि बनकर जाएंगे। बात भाई ये समरसता का पाठ भी पढ़ाना है और बूथ को मजबूत भी करना है। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, आज वोट दलित वोटों के चक्कर में अगर आप कर रहे हैं तो भी अच्छा प्रयास है, लेकिन जब योजनाओं की बात होती है और बाबा साहब की सीख की बात होती है तो मैं पहला तो निवेदन ये करना चाहूँगा कि यदि आपकी सरकार ने बाबा साहब का नाम बदला है तो पूरा नाम लीजिए ना, बाबा साहब तो हमारे थे हैं रहेंगे, पूरा नाम लीजिए जो आपने बाबा भीमराव रामजी अम्बेडकर उनका नाम लिया पूरा नाम, क्योंकि आपकी सरकार ने बदला है तो वो करिए, पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब की अगर आप राजनीतिक यात्रा को देखें तो उस राजनीतिक यात्रा में उन्हें सबसे बड़ा जो मुकाम मिला अपनी अलग अलग पार्टियां बनाने के बावजूद, तो वो मुकाम दिया कांग्रेस ने कि इस देश का संविधान उनसे लिखवाया और वो जो जो प्रावधान करना चाहते थे ज़्यादातर उसमें से माने गए और उन प्रावधानों को आज तक कंटिन्यू किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, इन वर्गों के लिए हमने जो किया, बाबा साहब को तो हमने सम्मान दिया, बाबा साहब का नाम अमर हो गया उनकी विद्वता की वजह से, उसमें कांग्रेस का योगदान रहा नहीं रहा वो इतिहास उसका गवाह है। लेकिन जब इन वर्गों के लिए बात करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत विद्वान साथी हैं, बहुत अच्छा डेटा साथ लेकर के बैठे, एक वो योजना ये नहीं बता पाए जो इन्होंने दलित समाज के लिए बनाई। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला की बात करेंगे, ये घर देने की बात करेंगे, ये मिड डे मील की बात करेंगे, ये आदर्श ग्राम की, ये सारी योजनाएं सभी वर्गों के लिए है, लेकिन दलित समाज के लिए अलग योजनाएं बनाने की बात आई तो 1989 में SC/ST एक्ट कांग्रेस ने बनाया। यदि आरक्षण देने की बात आई तो कांग्रेस ने दिया। यदि इस वर्ग के लिए अलग से अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग की बात आई तो हमने बनाया, जिसको आज ये सरकार खत्म कर रही है, अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग को खत्म कर रही है। SC/ST के लिए अलग अलग आयोग यदि बनाने की बात आई हमने बनाया, किसी और पार्टी ने नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि गिनाने को कोई काम नहीं है, इसलिए सभी योजनाएं में बताते हैं। देखिए सब दलित मिथुन जी, लेकिन सवाल यही है मंशा हो मिथुन जी, सवाल यही है फिर क्यों ये वर्ग थोड़ा सा छिटकता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस से, हालांकि 18 में आप लोग का ठीक साथ दिया, उससे पहले हम देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ गया मध्य प्रदेश में, अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए तो वहां भी बीजेपी का दावा है कि वो वर्ग बीजेपी के साथ खड़ा नजर आया। आप लोग ने सब इतना किया है तो फिर कहां बीजेपी इस बात में सफल होती दिखाई दे रही और उसमें आगे बढ़ती दिखाई दे रही। देखिए मध्य प्रदेश में तो इस वर्ग ने हमारा साथ दिया, और जहां तक आप बात करें ये जो वर्ग है दलित समाज का, ये कांग्रेस की बनाई योजनाओं का लाभ लेकर के आज का जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी थोड़ी आराम की अवस्था में आई है, थोड़ी सी उसमें भेदभाव में कमी आई है, तो आज वो तमाम बातों को सुनता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा उसके साथ अगर सामने आता तो कई बार वो कन्विंस होता है। तो हमें उनको इतिहास बताने की जरूरत है और उनको वर्तमान बताने की जरूरत है। यदि मोहन भागवत जी कह देते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, यदि सुमित्रा महाजन जी कह देती हैं, उषा ठाकुर जी यही बात करती हैं, मध्य प्रदेश में 2 अप्रैल का जो आंदोलन होता है उसमें दलित समाज के लोगों को मारा कूटा जाता है और उसके ऊपर केस लोगों के ऊपर बनाए जाते हैं, जब वो केस हमारी सरकार वापस लेती है तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, उनको इस बात को बताने की आवश्यकता है। ये जो भ्रम फैला जा रहा है उज्ज्वला में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, आपके अधिकार आपको अलग से आपकी जाति पर आधारित कब होंगे। और बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे साथी, ये तो बताइए बाबा साहब यदि हिंदू महासभा और हिंदुत्व से इतने यदि वो इंप्रेस्ड थे तो 5 लाख समर्थकों के साथ उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ दिया था? क्या ये जिम्मेदारी आपके नेताओं की नहीं थी जो उस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहे थे? आपने खूब हम पर आरोप लगाए, लेकिन ये तो बताइए कि बाबा साहब की जो टीचिंग्स है, बाबा साहब ने जो रिडल्स हिंदुइज्म में लिखी है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितनी सहमत है? चलिए सर इस पर भी बात करेंगे, मैं ये सब बातें देवदत्त जी से समझ लेता हूं। देवदत्त जी, सवाल यही है कि कोई भी दिन होता है और आजकल तो हर दिन को सियासी नजरों से भी देखना पड़ता है, क्योंकि एक दिन जब आता है चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी का हो, गांधी जयंती हो, तो तमाम नेता हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या बीजेपी चतुराई के साथ इस तक पहुंचने में कामयाब रही है या पहुंचने का प्रयास कर रही है? जैसा मिथुन जी भी कह रहे हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होना चाहिए, चर्चा हो भी रही। जी दे दे देखिए, जो हम और आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि एक जो देश में शुरुआत हुई कि महापुरुषों को मानना, उनकी जयंती मनाना, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाना और फिर वहाँ समारोह करना, लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा है, उस पर कितना अमल किया? बात यही थी कि यदि महापुरुषों ने जो कहा था उस पर अमल करते तो ज़्यादा अच्छा समाज का निर्माण होता, देश का निर्माण होता, और समतामूलक समाज की जो कल्पना की थी हमारे महापुरुषों ने,
कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ और कोई भी महापुरुष कभी भी समाज विघटन की बात नहीं करता। हमेशा वो समाज में एकता की बात करता है, भाईचारा की बात करता है, सत्य प्रेम करुणा की बात करता है। लेकिन राजनीति एक ऐसी विधा हो गई है देश में कि जिसमें हर चीज़ को आप कृष्ण जयंती को भी समाज से जोड़ लिया, अभी सरदार पटेल की जयंती, अंबेडकर की जयंती, माने जितनी महापुरुषों हैं जो भगवान हैं उन सबको भी राजनीतिक लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने नज़रिए से देखने लगे। ये बहुत गंभीर बात है। यदि इनके विचारों पर अमल किया जाए, आप बताएं कि मायावती को दलितों ने कितना साथ दिया, क्या वो अंबेडकर के विचारों हों चले, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पार्क अंबेडकर पार्क बनाए, हाथी बनवाए, लेकिन जब वो जन्मदिन मनाती थी तो 2000 नोट की गड्डियाँ पहनती थी, सोने के हार, क्या क्या करती थी, क्या वो कल्पना कर पाएंगे? अंबेडकर ऐसा नहीं चाहते थे। अंबेडकर सबको जब अंतिम व्यक्ति का वो उद्धार चाहते थे, क्या जब एक दलित के घर में चूल्हा नहीं जल रहा और आप हजारों नोटों की माला पहन रहे हैं तो क्या होगा, इससे क्या संदेश जाएगा? और एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कई बार यदि गलत दिशा में नेतृत्व चला जाए, क्योंकि फिर वो विश्वास उठ जाता है कि यदि हमसे वोट लेकर हमारे उसका दुरुपयोग करें। इस समय भाजपा जो है बड़ी चतुराई से इस वर्ग को अपनी तरफ करने में लगी हुई, जब भाजपा कमजोर हो रही है। पहले ये होता था, मनोज जी आपने, हमने देखा कि चुनाव होते थे तो कांग्रेस प्रत्याशी चाहता था कि बसपा का प्रत्याशी खड़ा ना हो, और भाजपा चाहती कि बसपा खड़ा हो जाए तो दलित वोट उधर चले जाए, हमें आसानी हो जाए चुनाव जीतने। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से भाजपा ने ये दिया कि बसपा नहीं होगी तो हमें फायदा होगा, क्योंकि उन्हें उस वर्ग को अपनी तरफ जोड़ने के लिए एक लंबी कवायद कर रहे हैं वो लगातार इस जयंती के बहाने, उस वर्ग में जैसे उन्होंने काम किए हैं। और अब ये ध्रुवीकरण के दौर पे ये दलित वर्ग खड़ा है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, कि किस ओर जाए वो 2023 और 24 में, इसी की खींचा इसकी तरफ दोनों दलों की नजर है, क्योंकि अब तो हर चीजें चुनावी गणित से ही देखी जाती। जी धैर्यवर्धन जी कुछ कह रहे थे आप। नहीं, मैं दो तीन बातें कह रहा था। देखिए, हम भावनात्मक तौर पर लोगों को जोड़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमने जब अयोध्या में भगवान श्री राम के जी के मंदिर के लिए नींव खोदी तो नींव में जो ईंट रखी वो हमारे अनुसूचित जाति के दलित वर्ग के भाई से हमने रखवाई। आज मैं उसका उल्लेख करना नहीं चाहता, पर चूंकि मैं भी नहीं चाह रहा था कि राम जी आए, क्योंकि राम जी पे बात होगी तो फिर लंबी चली जाएगी। मैं चाह रहा हूं मैं डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर साहब के विचारों को ईमानदारी से अपने हृदय में स्वीकारते हुए ये बात कह रहा हूं कि इसीलिए हमने देश को जो इस समय राष्ट्रपति हैं महामहिम, वो उसी वर्ग से आते हैं, एससी वर्ग से आते हैं। हमने इतने महत्वपूर्ण जगह पर उनको बिठाल करके पूरे देश के लोगों को संदेश दिया कि हम भारत के उस तबके को राजनीति में सर्वोच्च शिखर पर बैठा कर यह आत्मसंतुष्टि का अभाव हमारे मन में आ रहा है। और एक और बात कह रहा हूँ, फिर कश्मीर की बात में कह रहा हूँ मिथुन जी, कश्मीर में दलित तबके के लोगों को कांग्रेस पार्टी के शासन काल में सरकारी नौकरी नसीब नहीं होती थी, और ये कोई भेदभाव नहीं था, ये कानूनी प्रावधान था कि वो केवल मेला ढोएंगे, इसके अलावा कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटा करके उन दलित भाइयों का, अनुसूचित जाति के लोगों को, अब उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पायलट बनेंगे, जी तमाम सारी सरकारी नौकरियों की सौगात दी है। और आप अभी मिथुन भाई कह रहे थे कि हमने अलग से कोई योजना लागू नहीं की। देखो भैया, ये बांटने का काम कांग्रेस पार्टी का है, हमारा काम पाटने का है खाई। अरे सर, अभी आप पाटने की तो जिक्र कर रहे थे सर, बहुत सारा गिरा दिया आपने, इतना दिया इतना दिया। मनोज जी, आज मैंने जो आंकड़े बताए वो बताए कि अनुसूचित जाति के कितने लोग लाभान्वित हुए, किस किस योजना, क्या 65,000 बूथों पर जाकर भी यही बताने वाले आज? 100%। और हम, हमारे केवल बताने से कुछ नहीं हो रहा है, वो आप सोशल मीडिया और, फिर आप वही तो बता रहे जो आप कह रहे हैं। आपका जो बंसल चैनल है ना, ये भी बताता है कि इन योजनाओं से किस किस को लाभ हो रहा है। और ये जो दलित वर्ग है ना हमारा, इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारे, ठीक सर, समय नहीं जी, मिथुन नायर जी, मिथुन नायर भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, अब सुन लीजिए, धैर्यवर्धन सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए, वर्ग का जनप्रतिनिधि, ठीक है, ठीक सर, समय नहीं है, समय कम पड़ता सर, धैर्यवर्धन जी, धैर्यवर्धन। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी अच्छी बात कही, यही तो हम सामने लाना चाह रहे थे कि जब वोट लेने की बात आए हर बूथ पे अलग से एक दलित को बैठाएंगे, लेकिन जब देने की बात आए सरकारी योजनाओं के लाभ की तो हम तो साफ सबको देते हैं, दलितों के लिए अलग से कुछ नहीं मिले।
चलेगा, यही तो मैं इनकी मानसिकता उसको सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि कर्नाटक में येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बनते हैं, सबसे पहले बाबा साहब का फोटो अपने कक्ष से हटवाते हैं। मध्य प्रदेश में आप, मध्य प्रदेश में अभी पीएससी 2019 की जो परीक्षा है निरस्त हुई है, क्योंकि आरक्षित वर्ग का उसमें कोटा आपने नहीं लागू होने दिया। आपने 100% उसमें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण, हमने तो कभी विरोध नहीं किया, लेकिन हमने कहा जो आरक्षण की व्यवस्था बनी हुई है, यदि आपको उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों में खत्म करेंगे, यदि मध्य प्रदेश में पीएससी में खत्म करेंगे, उसके बाद आप बोल लेंगे कि साहब बूथों पर हमारा दलित वर्ग का कार्यकर्ता जाएगा, उसकी हम अध्यक्षता कराएंगे, तो उसको आप अधिकार तो नहीं देंगे, लेकिन आप वोट उसके लेंगे। इस मानसिकता पर हमें ऐतराज है, और सख्त ऐतराज है। इन वर्गों का जो अधिकार है इनको मिलना चाहिए। आप लोग कितनी ही कोशिश कर ले इस वर्ग को भ्रमित करने की, इस वर्ग के सामने सच्चाई हम लोग रखेंगे। आपने कहा ना सर, आपने कहा कि नहीं साहब हम इन लोगों के लिए अलग से कुछ नहीं करेंगे, इन्हें तो उज्ज्वला में मिलेगा जिसमें सबको मिलता है, इन्हें तो आवास में मिलेगा जिसमें सबको मिलता है, अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वोट लेने की बात आ रही है तो हर बूथ पे अलग से एक दलित कार्यकर्ता बैठाया जाएगा। ये आपकी दोहरी मानसिकता है, जनता के सामने आनी चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आज जो संविधान का पालन है, क्या उसमें संविधान की मूल भावना है? जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में तेजी से आज बुलडोजर चल रहा है, क्या ये बाबा साहब की भावना के अनुरूप है कि फैसला करने का अधिकार राजा पुलिस या अधिकारी को नहीं होगा, फैसला करने का अधिकार तो कोर्ट को होगा? क्या ये बाबा साहब की भावना के अनुरूप है? जब आप फैसले ऐसे करते हैं कि बाबा साहब को ठेंगा दिखाने का आप लोग काम करते हैं, तो आपकी मानसिकता सामने आती है। कितने ही ऐसे मौके, कितने ही ऐसे अवसर है जब संविधान का अनुपालन आप लोगों ने नहीं किया, और बाबा साहब के बनाए संविधान को बार बार डैमेज करने की आप लोग कोशिश रखेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर आगे बढ़ी? और निश्चित रूप से कांग्रेस से सब दिखाई भी दिया, गांधी जी के नाम पर आगे बढ़ी, लेकिन वो गांधी, वो अंबेडकर जिनको भारतीय जनता पार्टी जिनके नाम पर आगे बढ़ रही है, क्या कांग्रेस कहीं कोई गलती कर रही है? या इस वर्ग को साधने में जिस तरह से हो जाना चाहिए था, जैसा मिथुन जी का दावा कि बहुत कुछ सब कुछ किया, फिर भी कहां जाकर वो छिटक रहा है? देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, कई बार लोग परिवर्तन समाज में आता है, विज्ञान का युग है, आधुनिक जो नई पीढ़ी है वो बहुत कुछ, आप देखें पहले छुआछूत बहुत थी, लेकिन आज छुआछूत नहीं है। आज दलित और ब्राह्मण बच्चे एक कमरे में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में साथ में खाना खा रहे, साथ में एक ही मतलब उससे उपयोग कर रहे। तो अब जब धीरे धीरे वो बढ़ेगा तो ये ध्रुवीकरण का असर सब और होगा। अभी जो एक टर्निंग पॉइंट है 2023 और 2024 कि इस वर्ग को कौन अपनी तरफ ले जाता है, क्योंकि लगभग सभी जगह दलित वर्ग घूम आया है, और क्या होता, किसी की अपेक्षा आप पूर्ण नहीं कर सकते। तो ये जो बीच में जो गलतियां हुई होंगी, क्योंकि शुरुआत से ही कांग्रेस के साथ एक तरह से वोट बैंक था, अल्पसंख्यक दलित आदिवासी वर्ग, ये कांग्रेस का परमानेंट वोट बैंक था, लेकिन धीरे धीरे उसमें सेंध लगी, जब बसपा आई, सपा आई, और भी जातिगत दल आए, तो ये जब अब इसको वापस करने के लिए होड़ मची है, क्योंकि बसपा कमज़ोर हो रही है, तो भाजपा चाह रही है कि ये वोट हमारी तरफ आ जाए, ये वर्ग हमारी तरफ आ जाए, और उत्तर प्रदेश में उसने बहुत कुछ सफलता भी हासिल की। लेकिन कांग्रेस जिसने मध्य प्रदेश में 2018 में इस वर्ग को अपनी तरफ किया था, अब 23 के लिए तैयारी है दोनों दलों की कि ये वर्ग हमारे साथ कैसे आए, और इसी की एक खींचतान है कि आज अभूतपूर्व तरीके से अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, होड़ लगी है कि कौन कितना उनके जयकारा लगा सकता है, कौन उनकी मूर्ति के सामने ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन असल बात मनोज जी यही है कि काश यदि मूर्ति से ज़्यादा, नारे लगाने से ज़्यादा उनके विचार को आत्मसात कर पाते राजनीतिक दल, तो फिर शायद इतनी कवायद भी ना करना पड़ती, और समाज एक समतामूलक दिशा में बढ़ता और मजबूत देश की तरफ बढ़ता। इसी की आज आवश्यकता है कि हम सब उनके विचारों को माने, महापुरुषों के, भगवान के, ग्रंथों के, जो उन विचारों को आत्मसात करने का समय है। जी चलिए सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सबका विचार यही रहा कि समरसता के साथ हम आगे बढ़े। धैर्यवर्धन जी, मिथुन जी और देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में अम्बेडकर जयंती को लेकर आज कई तरह के कार्यक्रम हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने तरीके से इस दिन को मनाने में लगे हैं, भुनाने में लगे हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर तो समरसता की बात करते हैं। समरसता की बात करना और समरसता के साथ आगे बढ़ना, यदि ये होने लगे तो फिर अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी तस्वीरें भी नई नई सामने आई हैं, उन सब से बचा जा सकता है। अंबेडकर की यही कहना था कि सब मिलकर रहिए,
और संविधान की रक्षा कीजिए, पर होगा क्या वो आपको दिखाई दे रहा है। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।